दोस्तों इस समय हमें बड़ोदरा के पास हलोल और हलोल के पास एक जगह है कम्बोला। यहीं पे चाचा क्लर्क के सब जॉब करते हैं। पास में ही एक हीरो की सनबीम कंपनी, उसमें हीरो बाइक के पार्ट्स बनते हैं इंजन के। तो फिलहाल एक खेत में एक कुछ क्वार्टर्स बने हैं, आप इधर देख सकते हैं। इसी क्वार्टर्स में ये लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं इनकी तरह। और यहाँ पे इनके जस्ट इस सामने बहुत बड़ी मात्रा में कपास की खेती की गई है, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में रुई बोलते हैं। तो फिलहाल इस कहते हैं कि ये जो कपास है इसकी उम्र नियर अबाउट 1 साल है। ये गर्मी के मौसम में जून में लगाई जाती है और ये नवंबर दिसंबर से करीब फल देना स्टार्ट कर देता है। और साल भर में 3 बार फल निकलता है, 3 बार यानी कि इससे रुई निकाली जाती है। और रुई प्रेजेंट टाइम में लोग बता रहे हैं 80-85 रुपये केजी मार्केट में जा रही है। और इसके कपास के अंदर से इसका बीज भी निकलता है, इससे तेल निकलता है। तो हमारे तरफ जैसे लोग सरसों का तेल यूज करते हैं खाने पीने सर में लगाने, और वैसे यहाँ पे लोग भी कपास का तेल ज़्यादातर यूज करते हैं खाने पीने में, और मतलब हाथ पैर शरीर और सर में लगाने के लिए। तो एक तेल जो है वो भी 100+ में यहाँ पे है, तो यहाँ के लिए बहुत बेनिफिट वाली खेती है। और यहाँ मैंने गुजराती में एक चीज़ देखा है, चाहे कोई भी सीजन हो, रबी फसल हो, खरीफ फसल हो, चाहे किसी भी कोई भी फसल हो, वो देखेंगे इस फसल में कौन कौन सा फसल लगाया जा सकता है, पहले ये देखेंगे। फिर उसमें ये देखेंगे सबसे कम मेहनत, सबसे कम लागत किस में लगती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होती है, उस हिसाब से वो खेती करते हैं यहाँ पे। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो फिलहाल इस समय कपास की खेती की गई है और ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये तीसरी बात शायद ये रुई निकली है इसमें, इसके बाद इसका काम ख़त्म है, लोग बता रहे हैं। ये रुई जो है थोड़ा सा हम निकालें इसमें से, कपास में से, और देखिए इसके अंदर ये आपको दिख रहा ये बीज है, ये छोटा छोटा जैसे मटर का दाना होता है सूखा, उसी टाइप में छोटा छोटा इसका बीज है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। इसी बीज से लग कर ये कपास होता है, इसी से चारों तरफ फैलता है। ये देखिए, इससे यहाँ के लोग तेल निकालते हैं। फिलहाल हाथ में एक फ़ोन लिए हैं जिससे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो एक ही हाथ से निकाल रहे हैं। देखिए फिलहाल ये निकल गया, ये मटर के दाने जितना छोटा है और इससे तेल निकलता है। यहाँ के लोग इसका तेल बहुत यूज करते हैं खाने में भी और हाथ पैर पर लगाने के लिए भी। तो फिलहाल ये यहाँ के कपास की खेती रही, जो कि यहाँ के लोगों काफ़ी प्रॉफिट खेती है और यहाँ के लोग बहुत इसको करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इधर ज़्यादातर होती भी है, यहाँ की भूमि जो है इसके लिए उपजाऊ है। यही हमारी तरफ लगाया जाएगा तो शायद होगी भी नहीं। तो आप जहाँ से भी हो देखिएगा और बताइएगा कि एक कपास खेती क्या आपकी तरफ होती है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि रुई तो प्राप्त होती है सोर्स बाप, लेकिन इससे तेल निकलता है। तो प्लीज़ आप जो भी जानते हो या जो भी हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।